Hello friends, today we are going to take another section on logical reasoning, and that is Venn diagram. So with respect to Venn diagram, aaj jo main part aapke saath discuss karne wali hu, that is going to be logical deductions. Yani ke aapko sirf aur sirf diagram ko observe karna hai, relations dekhne hain aur aapko jo hai answer nikalna hai. Aaj hum koi zyada calculations hum nahi karne wale hain. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के साथ साथ जो है हम इसका अप्रोच हम जो है समझते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द वेराइटी, द वेरी फर्स्ट वेराइटी जो लॉजिकल डिडक्शंस के हेडिंग में भी ये पॉइंट कवर होता है, वेयर यू वुड बी गिवन यू नो दिस काइंड ऑफ रिलेशंस एंड आपको जो है जैसे यहाँ पर है आपको फाइव फिगर्स ए बी सी डी ई पहले से दे दिया गया है एंड नीचे से फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एलिफेंट्स वुल्व्स एंड एनिमल्स. ठीक है, यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि लॉजिकल रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चंस में देर कैन बी द मल्टीपल यू नो द वेज टू यू डेवलप द रिलेशन बिटवीन द थ्री और फोर, राइट, बट इसमें हमको रिलेटिवली दी बेस्ट आंसर वेदर जैसे हम मैथ्स करते हैं, राइट, आप किसी भी मेथड से आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर हमेशा एक ही आना है. यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें रिलेटिवली दी बेस्ट आंसर मिले, स्पेशली इन लॉजिकल डिडक्शंस में. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हमको क्वेश्चन दिया है भाई दैट फाइव फिगर्स हैं हमको एलिफेंट्स वुल्व्स और एनिमल्स. नाउ व्हाट यू डू, जैसे मैं हर बार जब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट करूँगी ना, तो आप क्वेश्चन जो है आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर आप पहले आप आंसर पर लिखिए अपने नोट. यस, आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आप लिखिए आंसर और फिर देखिए कि जो आंसर मेरा है जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ और आपका वो मैच हो रहा है कि नहीं, राइट. सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एलिफेंट्स वुल्व्स एंड एनिमल्स, राइट. सो विच विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कैन वी से दैट एक अगर मैं एनिमल्स अगर मैं लेती हूँ, राइट, तो एलिफेंट्स एंड वुल्व्स जो हैं वो भी एक टाइप के एनिमल्स है. सो द बेस्ट आंसर विच आई एम गेटिंग ओवर हियर इज ऑप्शन सी. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमल्स काउज एंड क्रोज. सो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यू नो अपना जनरल नॉलेज भी यूज़ करना पड़ेगा. सो मैमल्स द मिल्किंग यू नो मिल्किंग एनिमल्स जो हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं. सो वो एक ग्रुप हो जाएगा मैमल्स का, काउज आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट एंड क्रोज जो हैं, राइट, दे आर नॉट द मैमल्स, दे आर द बर्ड्स. सो द बेस्ट आंसर विच आई कैन यू नो द बेस्ट रिलेशन विच आई कैन डेवलप बिटवीन मैमल्स cows and crows is going to be option B. Next question, women, mother, widows, right? So yahan par aap dekhiye, if I take this as women, then obviously mothers are going to be women, right? Par yahan pe jo agar hum widows ki agar hum baat karte hain, right, so ideally dekha jaye to if I do it like this, और ये जो सर्कल है इसको अगर मैं विडो से रिप्रेजेंट करती हूँ, राइट, सो देर कैन बी द वुमेन हु आर विडोज, देर कैन बी द मदर्स हु आर विडोज, राइट. एंड यू मे बी थिंकिंग कि मैम ये आपने बाहर का एरिया क्यों लगाया हुआ है, राइट, जो भी विडोज हैं वो तो हमें या फीमेल ही मिलेंगी, राइट. बट आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हमको रिलेटिवली दी बेस्ट आंसर निकालना. अब हमें जो ऑप्शन चाहिए आइडियली देखा जाए तो क्या होना चाहिए था, विमेन, mother and widows, right, fine. Do we have such kind of option given over here? No. और हमें फिर यानी कि यहाँ पे widow में जो है actually widow, widower हमारे लिए gender specific हो जा रहा है, पर यहाँ पे हम वो चीज़ को नहीं ले रहे हैं. तो relatively जो best answer जो मुझे मिल रहा है that is going to be option D, right friends. Next question, authors, टीचर्स एंड मैन. सो पॉज कीजिए और देखिए आपके हिसाब से क्या आंसर बन रहा है, राइट, ऑथर्स, टीचर्स, मैन. सो ऑथर्स जो है मेल फीमेल हो सकते हैं, जो टीचर्स हैं, तो इफ दे आर द ऑथर्स, तो जो टीचर्स हैं
वो टीचर्स ऑथर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स ऑथर नहीं भी हो सकते हैं, एंड मेन, राइट? सो मेन जो है वो टीचर भी हो सकते हैं, ऑथर भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं. सो द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द थ्री इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट डिविडेंड बोनस, राइट? सो डिविडेंड बोनस क्या है? बोथ आर द यू नो द टाइप्स ऑफ प्रॉफिट. सो हम अगर प्रॉफिट वाला सर्कल ले लेते हैं, इफ दिस इज द प्रॉफिट, तो डिविडेंड भी एक तरह का बोनस है एंड बोनस भी, बिकॉज दे कैन बी द अदर पार्ट्स ऑफ इट, राइट? अब यहाँ पे यू कुड हैव थॉट कि मैम बोनस के लिए आई कुड हैव टेकन दिस एज अ डिविडेंड, और हम बोनस भी तो एक तरह का डिविडेंड भी तो हम एक तरह का बोनस ही ले रहे, बट डू आई हैव दैट ऑप्शन गिवन ओवर हियर? नो. तो रिलेटिवली विच इज द बेस्ट ऑप्शन? आई एम हैविंग इट ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ मून प्लैनेट, राइट? सो अगर मैं प्लैनेट लेती हूँ तो अर्थ इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट, एंड मून जो है वो सैटेलाइट है, डजेंट बिलोंग टू प्लैनेट्स का ग्रुप, एंड हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स. सो टेनिस फैंस जो हैं वो क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं, एंड वो जो है स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर, आई मीन टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. द बेस्ट रिलेशन विच वी कैन रिप्रेजेंट ओवर हियर इज थ्रू ऑप्शन सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्स, फादर्स, डॉक्टर्स, राइट? तो अगर हम मेल्स लेते हैं, राइट, फादर्स आर गोइंग टू बी मेल्स, राइट? एंड डॉक्टर्स जो हैं वो फादर भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, और फीमेल्स भी हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली द बेस्ट ऑप्शन विच आई एम गेटिंग इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स, ग्रेजुएट टीचर्स, राइट? सो हियर व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर इज ह्यूमन बींग्स, राइट? जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, टीचर्स हैं, दे आर हैव टू बी ह्यूमन बींग्स. तो ये ह्यूमन बींग्स हो गया, वो ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और शायद वो ग्रेजुएट ना भी हो. सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं, एंड हैंस द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई. टाई, शर्ट, तो ये तो दिख रहा है कि टाई एक अलग है, शर्ट एक अलग है. पैंटलून, पैंटलून क्या है? वैसे हमें पता है पैंटलून क्या है, राइट? इट्स अ शॉप वेयर वी गो एंड डू द क्लोथ्स परचेजिंग, राइट? बट यहाँ पे हमें अज्यूम नहीं करना है कि पैंटलून जो हम जानते हैं कि जो रिटेल शॉप है, राइट? सो वी डोंट नो व्हाट इज पैंटलून, एंड हेंस रिलेटिवली द बेस्ट आंसर कुड हैव बीन दिस, राइट? और आपके पास ये भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि मैम हम पैंटलून को लेते हैं टाई और शर्ट, राइट? ये भी सिचुएशन हो सकता है. हम इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन टाई एंड शर्ट, बट पेंटलून हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमने सारा केस लिया. तो हमें लग रहा है रिलेटिव द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ सो वेन यू सच काइंड ऑफ यू नो द सिचुएशन अराइजेस, आइडियली या तो ऑप्शन वैसे होना नहीं चाहिए, बट अगर हमें दिख रहा है, राइट, कि नहीं मैम दोनों ही ऑप्शंस हैं जो लॉजिकली करेक्ट हैं, राइट, सो इन दैट केस या तो जो पेपर सेटर ने ऑप्शन डाला है, राइट, और वो अगर कन्विंसिंग रीजन है तो वही आंसर माना जाएगा, या तो फिर जो है डोंट वरी अबाउट इट, अगर पूरे इंडिया ने हल्ला मचाया उस क्वेश्चन को लेकर तो वो क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा. सो बट हियर आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू कि हमेशा एक यूनिक ही रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? ये एक और वैरायटी आता है जहां पे हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और हमें आंसर फाइंड करना है, राइट? तो यू हैव टू स्टडी द फिगर गिवन बिलो केयरफुली एंड क्वेश्चन करना है. तो विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल द फिगर्स, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल एंड हेक्सागोन चारों को जो है वो बिलोंग करे? तो आंसर क्या आ रहा है? कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है, राइट? कोई भी नंबर नहीं है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ दीज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. What is the sum of the numbers which belong to two figures only? तो two figures अगर हम देखते हैं तो ये हो गया एक square and circle को लेकर, ये हो गया एक जो है hexagon and circle को लेके, and ये एक हो गया जो है triangle and circle को लेकर. Any other number आप cross check कीजिए, right? मेरे हिसाब से जो answer होना चाहिए वो होना चाहिए 2+6+8, यानी the answer should be 16. ठीक है,
इसमें ही एक और पैटर्न है जहां पे हमें जो है जो शेप्स जो हैं वो पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो किन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को. सर्कल जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन, टॉल पर्सन्स को. ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग द टेनिस प्लेयर्स एंड रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर द स्विमर्स. ठीक है. नाउ हियर विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल गर्ल्स. सो टॉल गर्ल्स मतलब स्क्वायर और सर्कल हो गया, राइट. स्क्वायर एंड सर्कल हो गया, यानी कि दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. हु आर स्विमर्स, एंड स्विमर्स जो है उसके हिसाब से रेक्टेंगल का भी पार्ट होना चाहिए था. तो ये वाला अब हमारे आंसर पे हम आ गए, जी एंड एच पे आ गए, बट डोंट प्ले टेनिस. तो आंसर इज ऑप्शन सी, राइट, दैट इज जी. हियर यू कुड सी दैट कि यहाँ पर हम जो है एरियाज जो अपने इंटरेस्ट के वो हम लेते चले गए, एंड एज पर द कंडीशन हम उसमें से एलिमिनेशन हम करते चले गए. चलिए तो हम एक और क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं, राइट. विच लेटर रिप्रेजेंट्स गर्ल्स हु आर स्विमर्स. तो गर्ल्स होना चाहिए, यानी कि जो है स्क्वायर हमें चाहिए, एंड दे आर द स्विमर्स, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, राइट. सो हियर आई एम गेटिंग द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके. Which letter represents girls who are swimmers? Play tennis. So play tennis में हमारे पास क्या आ जाएगा, H, right? But are not tall. But H जो है अगर हम देखें so then they are going to be tall, right? क्योंकि that is a part of the circle. तो हमें ऐसा कोई भी alphabet नहीं मिल रहा है, and hence the answer is going to be none of these. एक और question हम इसके ऊपर देखते हैं, right? Which letter represents tall girl? So tall girl यानी के जो है circle आ गया, and rectangle square का जो है intersection आ गया, right? And the tall girl who do not play tennis, यानी के हमारे लिए जो अब area of interest है वो ये हो गया, right? So which letter represents tall girl, यानी के square and circle का intersection था जिसमें से वो tennis नहीं खेल रहे, तो हम G और D पर आ गए, and are not swimmers, and rectangle stands for swimmers. तो answer क्या आएगा, D. तो answer is D. Okay, fine. So friends, ये हमने देखा logical deductions के जो questions हैं. ये जो session मेरे लेने के पीछे का सिर्फ एक ही objective था, that आपको यहाँ जब मैंने second part लिया उसमें तो हमने ये approach लगा रहे कि जो area of interest है उसको पहले लीजिए, उसमें से जो जो not follow हो रहे वो आप कैंसिल करते जाइए. और जो फर्स्ट पार्ट मैंने देखा जहाँ पे हम सर्कल्स के साथ हमने सिचुएशंस को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे हमें रिलेटिवली दी बेस्ट आंसर निकालना है. वेरी रेयरली वी गेट, बट यू नेवर नो, अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाते हैं तो इट कैन बी लाइक अ कैश पॉइंट, और यहाँ पे हमसे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.